पाव भाजी बना रही हूँ। इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ, इसमें डाल दिया मैंने ये देसी घी, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं अभी बटर, इसमें से काट के, अमूल वाला बटर है ये, इसमें मैंने ये डाल दिया बटर, ये गया इसमें बटर। और अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज तड़के में, ये डाल दी मैंने प्याज, ये प्याज डाल दी। अब मैं करूंगी थोड़ा सा इसको फ्राई प्याज को, ये फ्राई हो रही है प्याज अच्छी तरीके से, फ्राई हो जाएगी जब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट बना के रखा है मैंने पहले से, मैं इसमें डाल रही हूँ यही टमाटर का पेस्ट, ये डाल दिया मैंने टमाटर का पेस्ट। अब मैं डालूंगी इसमें पाव भाजी मसाला, ये 2 चम्मच के करीब है, और मैं इसमें डालूंगी बेसिक मसाले, इसमें थोड़ी सी मैंने डाली हल्दी, और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच करीब, और ये मैंने रेड चिल्ली पाउडर, और इसमें डालूंगी फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ये मैंने 1 इंच के वगैरह फूड कलर डाल दिया है। अब ये होगा थोड़ी देर फ्राई अच्छी तरीके से, इसका आ जाएगा कलर बढ़िया सा, और थोड़ा सा डालूंगी मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, देखो इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो भाजी मैश करके रखी है, अब मैं इसे तड़के में डालूंगी। अब ये मेरी पाव भाजी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, देखिए गाइस। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसमें डाल दिया मैंने पानी थोड़ा सा, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं सेकूंगी थोड़ी देर में इसमें पाव, तब तक इंतजार करिए गाइस। गाइस मैं अब इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती, देखो ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, देखिए गाइस, देखिए गाइस हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो चुकी है, मैं पाव बनाने जा पाव सेकने जा रही हूँ। देखिए गाइस मैंने इसमें ये बटर डाल दिया है पैन में, और मैं इसमें थोड़ी सी भाजी डालूंगी। अब मेरे ये पाव सेकने स्टार्टिंग हो गए, देखिए देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, देखिए गाइस। अब मैं इन्हें सर्व करूंगी, और मैंने थोड़ा सा और बटर डाल दिया है इसमें, अच्छी तरीके से ये सिक जाएंगे, अच्छी तरीके से ये सिक जाएंगे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये, देखिए ये हो गए खाने के लिए अब रेडी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं कि मेरी मम्मी की रेसिपी कैसी लगती है आपको।